दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से। बहुत बार आपको ये समझ में आता है कि डॉक्टर कई बार आपको क्रीम लगाने को बोलता है, कई बार ऑइंटमेंट लगाने को बोलता है, कई बार लोशन लगाने को बोलता है और कई बार जेल लगाने को बोलता है। ये बालों के लिए भी संभव है और आपकी स्किन के लिए, स्किन एंड हेयर बोथ। सो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑइंटमेंट, अ क्रीम, अ लोशन एंड ए जेल, और इनकी क्या क्या खासियत है। तो मैं आज आपको बताता हूं, ऑइंटमेंट यूजुअली मेडिकेटेड होते हैं, इनमें 80% ऑयल रहता है और 20% वाटर के साथ उसको इमल्सीफाई करते हैं विद द मेडिसिंस। ऑइंटमेंट की खासियत ये होती है कि ये बहुत देर तक, क्योंकि ऑयल बेस्ड होता है, ये बहुत देर तक जगह पर लगा रहता है और हमको जब देर तक इफेक्ट चाहिए तो हमको ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आती है क्रीम। क्रीम में क्या फर्क है? क्रीम में वाटर और ऑयल बराबर होता है और क्रीम को जब भी हम लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऐसी जगह क्रीम लगाने की संभावना ज़्यादा रहती है जहाँ पर कि हमको अर्ली एब्जॉर्प्शन चाहिए और हमको उसको त्वचा पे फैल जाना ज़्यादा इजीली चाहिए। अब बात आई लोशंस की, तो लोशन उन लोगों के लिए है जिनको कि ऑयल से एलर्जी है या जिनकी त्वचा पहले से ही बहुत ऑयली है। लोशन में क्या होता है, 80% वाटर होता है और 20% ऑयल होता है, कुछ कुछ इसी संभावनाओं से। तो लोशन में क्या होता है कि इसको बहुत इजीली आप स्प्रेड कर सकते हैं पर ये आपकी त्वचा पर अपना असर कुछ कम समय के लिए देगा, उस समय आपको लोशन को जैसी चीज को बार बार लगाना पड़ता है। और तीसरी चीज लोशन हुई और चौथी चीज हुई जेल। जेल में क्या होता है कि जिन लोगों की त्वचा बहुत ऑयली है, जिन लोगों को स्प्रेड ज्यादा चाहिए और जिस दवा का आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबा नहीं चाहिए, जैसे कि फिनेस्ट्राइड प्लस मिनोक्सिडिल, इस तरह के जो जेल्स आते हैं उसमें क्या होता है कि पानी के साथ, वाटर के साथ सेल्युलोज और उसके साथ थोड़ा सा अल्कोहल मिला के इस जेल को तैयार किया जाता है जो कि आपकी स्किन पे आराम से फैल जाता है और इसमें कोई भी बहुत देर तक इसके टिकने की संभावना नहीं होती, इसकी ज़रूरत इस प्रकार से है। तो मैंने आज आपको इन चारों चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया। अब जब भी दवाइयाँ खरीदें या अपने सर के लिए या बालों के लिए या खाल के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नमस्ते, मैं बंद करता हूँ।